नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक शिक्षण भोपाल से समस्त डीईओ और समस्त संभाग आयुक्तों के लिए बेहद महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। अब शिक्षक और अध्यापकों को जो छुट्टियां अवकाश चाहिए इस आदेश के अनुसार ही मिल सकेंगी। तो आप इस आदेश को डाउनलोड कर पाएंगे। जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से। तो आइए देख लेते हैं लाठी को। काफ़ी महत्वपूर्ण पत्र लोक शिक्षण संचालनालय गौतम नगर भोपाल से 9 अक्टूबर 2023 को जारी हुआ, और ये है समस्त संभागीय संयुक्त संचालक और समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, यानी केवल डीईओ और संयुक्त संचालक के लिए जारी हुआ। काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं विषय की शासकीय विद्यालयों में कार्यरत लोक सेवकों को शैक्षणिक योग्यता वृद्धि या प्रतियोगी परीक्षा में अवकाश शुल्क की अनुमति बाबत। तो अनुमति किस प्रकार से देना, किस प्रकार से नहीं देना, इसके संदर्भ में दे रखा है। आप यदि उच्च योग्यता के लिए अवकाश ले रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षा के लिए ले रहे हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि विद्यालयों में कार्यरत लोक सेवकों के शैक्षणिक योग्यता वृद्धि, प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की अनुमति अवकाश या संतान पालन अवकाश, अर्जित अवकाश की स्वीकृति कतिपय प्रकरणों में बिना प्राचार्य या प्रधानाध्यापक की अनुशंसा के जारी की जा रही है, जो कि उचित नहीं है। यानी कि डायरेक्ट डीओ से मिल रहे हैं और डीओ डायरेक्ट जो है उनको जारी कर रहे हैं। अब चूँकि यहाँ प्राचार्य और प्रधानाध्यापक की एनओसी यानी कि कोई अनुशंसा नहीं ली है, तथा इससे विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः शासकीय विद्यालयों में कार्यरत लोक सेवकों को शैक्षणिक योग्यता वृद्धि, प्रतियोगी परीक्षा में बैठने की अनुमति एवं अवकाश, संतान पालन अवकाश या अर्जित अवकाश की स्वीकृति बिना संस्था प्रमुख की अनुशंसा के जारी ना किया जाए। यानी कि अब डीईओ भी जारी नहीं कर पाएगा जब तक संस्था प्रदान की जो उसमें स्वीकृति नहीं होगी, यानी कि अनुशंसा नहीं होगी। तो ये डीएस को सुबह संचालक लोक शिक्षण उन्होंने ये पत्र जारी किया है और नीचे प्रतिलिपि भी दिया गया था। दोस्तों, इस पत्र को आप डाउनलोड कर पाएंगे। जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।